आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। गोरखपुर के 2,44,000 बुजुर्ग विधवा किसान और दिव्यांग जन के खाते में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोगुनी पेंशन राशि को किया ऑनलाइन हस्तांतरित। बढ़ी हुई पेंशन का स्वीकृत पत्र पाकर लाभार्थियों के खिले चेहरे। कहा, वृद्धावस्था पेंशन के 1,48,508 निराश्रित, महिला पेंशन के 68,646 और दिव्यांगजन पेंशन 26,721 के जिले में है लाभार्थी। कोविड 19 के केसों की संख्या को देखते हुए 11 एवं 12 जनवरी को आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव 2022 को स्थगित करने का जिलाधिकारी उपाध्यक्ष गोरखपुर महोत्सव समिति एवं समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय। कहा, आगामी कुछ माह के उपरांत किया जाएगा महोत्सव का आयोजन। सर्विलांस सेल व एसओजी टीम ने नए साल पर नागरिकों के 55 खोए हुए मोबाइल फोन किया बरामद। एसएसपी की मौजूदगी में नागरिकों को मोबाइल फोन किया सुपुर्द। मोबाइल फोन पाकर सभी के खिले चेहरे। नागरिकों ने सर्विलांस व एसओजी टीम को दिया धन्यवाद। दो सौ 53 महिला रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड का किया गया आयोजन। एडीजी जोन ने दीक्षांत परेड की ली सलामी। दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत जागरूकता शिविर तथा महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ संपन्न। किया गया महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं साइबर अपराध के प्रति महिलाओं को जागरूक। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अध्यक्षता में गुलहरिया थाना क्षेत्र के सरहरी गांव में पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन। कहा, पुलिस चौपाल में प्राप्त हुए 45 एप्लीकेशन, मौके पर 13 मामलों का किया गया निस्तारण। बाकी के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, 2 चाबी का गुच्छा, 1 टार्च, 1 लोहे की सरसी, 1 सबरी किया बरामद। एसपी सिटी सोनम कुमार ने किया खुलासा। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण साकुशल हुआ संपन्न। विधानसभा 2022 चुनाव को संपन्न कराने के लिए दी गई विस्तृत जानकारी। बुधवार को 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के 3 जनवरी से हो रहे कोविड टीकाकरण में छात्र छात्राओं का टीकाकरण प्रति दिखा उत्साह। कहा, कोरोना और ओमिक्रॉन की चपेट में आने से पहले सभी लोग लगवा लें कोरोना रोधी टीका। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर में पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले नाली विवाद, घरेलू विवाद, भूमि विवाद से आए संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए दोनों पक्षों को समाधान दिवस में बुलाकर निस्तारण के लिए दिए गए निर्देश। एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने यातायात व्यवस्था को सुधारने और आईपीएमएस को संचालित के लिए यातायात विभाग के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं होमगार्ड व पीआरडी के जवान संघ की गोष्ठी। कहा, अपने आप को एक्टिव रखते हुए कर सकते हैं चालान। और बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 299 केंद्रों पर कुल 32,316 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 21,462 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,854 लोग रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा, बिना आवश्यकता के घरों से ना निकलें बाहर और करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।